नमस्कार, सरस्वती कुमार शाला एक से मैं अमीषाबेन बारिया। श्रेणी सात विषय हिंदी का इकाई चार देश के नाम संदेश यह आपको आज समझाने आई हूँ। दोस्तों, हमने पत्र के बारे में तो जाना है कि दूसरों तक बात पहुंचाने का पत्र एक उत्तम माध्यम है। इस ईमेल में इसकी बात की है। यहाँ हमारे पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से देश के नाम संदेश भेजा है। हमारे देश के लिए लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे यह नहीं सोचते कि एक सार्वभौम स्वाधीन देश है, नागरिक के होने के कारण उनके भी कुछ कर्तव्य हैं। दोस्तों, डॉक्टर कलाम ने देश के लोगों के प्रति उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने का आग्रह किया है। देखते हैं वह जिम्मेदारी क्या है, तो ध्यान से इस इकाई को सुनिए और मेरे साथ पुस्तक में आप भी पढ़िए। मातृ छाया ऊंची शेर, गांव मेसपुरा, तहसील भावर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ भी सब सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। डॉक्टर कलाम ने अपने संदेश की शुरुआत में पूछते हैं, क्या आपके पास देश अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है, आप कहते हैं कि हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं, आप कहते हैं कि नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, आप कहते हैं कि फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइंस की दुनिया में हमारी ही सबसे खराब एयरलाइंस है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। आप कहते कहते रहते और कहते ही रहते हैं, आपने इस बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, वे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं, सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं है, आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। आप शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच आचर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपया भुगतान करते हैं। अगर पार्किंग में अपने निर्धारित समय से ज्यादा गाड़ी रखी तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते क्या कहते? अगर दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते, जिहाद में बिना सिर ढके बाहर भी नहीं निकलते, वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटे से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमायत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते, जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते, टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक नहीं थूकते, वॉशिंगटन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र नहीं खरीद सकते। डॉक्टर कलाम बीच में यह भी याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके बारे में। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने यहाँ पर इस इकाई में हमें क्या बताया, आपने सुना ना दोस्तों, कि हम दूसरे देश को अच्छा कहते हैं, दूसरे देश में जो नियम है, जो कानून है, उसका 100% हम पालन करते हैं और हमारे देश में हम पूरी जिम्मेदारी सरकार को देते हैं। आगे देखिए और सुनिए डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन भी करते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर
कूड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं, कागज के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हो तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तियानकर के हवाले से ही कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने ले जाते हैं, जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर जाते हैं, और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन को दोषी मानते हैं। वे क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकले तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा, और जब उनके कुत्ते की हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। राष्ट्रपति ने मिसाल दी है कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उनकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा है कि हम सरकार चुनते हैं, वोट डालते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारी भी वहीं उलट जाते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाच नखरे सरकार उठाएगी। हम सोचते हैं कि हम हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़े रद्दी कागज को उठाकर कूड़ेदान में डालने की जहमत भी नहीं उठाते। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और उन्हें हम ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं हमारा ऐसा रवैया है कि हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ेंगे और अपने घर में इसका उल्टा कर देंगे। और बहाना देखिए, पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने हमें भी दोषी माना है कि हम कला पाड़ पाड़ कर दहेज के विरोधी आंदोलन करते हैं। दहेज लेना और देना पाप, ऐसा हम लोगों को कहते हैं, लेकिन जब हमारे घर में प्रसंग आता है तो कहते बेटे को पढ़ाया, बेटे पर इतना खर्च किया तो इतना तो हमारा हक बनता है दहेज लेना। बेटी को देना तो वह गलत है, लेकिन लेना है तो हर एक इंसान दहेज लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कलाम हमें यह समझाते हैं कि जो हम सोचते हैं कि हमारा यह हक है तो हक के सामने दूसरी बात है फर्ज। तो हक और फर्ज एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो वही पहलू को भी हमें निभाना है। हम हक से मांगते हैं कि हमें स्वच्छ भारत चाहिए, हमें गार्डन में अच्छे पौधे चाहिए, हमें अस्पताल में सफाई चाहिए, यह हम हक से मांगते हैं। तो अस्पताल में सफाई रखना, गार्डन में पौधों पर लगे फूलों को तोड़ना नहीं, यह भी हमारी फर्ज है। तो दोस्तों, हक और फर्ज एक सिक्के के दो पहलू हैं। आगे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब हमें क्या संदेश देते हैं, यह आगे हम देखते हैं। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा है, इस व्यवस्था को कौन बदलेगा, यह व्यवस्था है किसकी। आपकी आप आसानी से कह देंगे, व्यवस्था में शामिल हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। खुद को इसमें शामिल नहीं करते, दूसरों को व्यवस्था सुलझाने में हम दूसरों को ही शामिल करते। खुद को रखना है तो हम साइड पर रह जाएंगे या हमारा नाम वहीं पर नहीं लिखाएंगे, लेकिन मैं और आप कतई नहीं। जब कुछ अच्छा करने की बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच से घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कोई मिस्टर प्लेन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा। ऐसा नहीं होता, आप देश छोड़कर ही चल देंगे। उन्होंने कहा, हम अपने भाई से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव और गुणों का गान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूजीलैंड और असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो आप खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले आए। दोस्तों, हम भागते भागते तब सरकार को नहीं पूछते, पैसे कमाने के लिए जाते हैं, बेरोजगारी होती है देश में जहाँ पर, तो वहीं से भागते हैं। जहाँ भागते हैं लास्ट में खाड़ी में अगर युद्ध छिड़ा तो हम हमारी सरकार पर दोष मंडरा देते हैं कि सरकार की फर्ज है हर एक नागरिक को बचाकर अपने घर वापस ले आए।
तो दोस्तों आप इंग्लैंड गए, न्यूजीलैंड गए, सरकार को पूछ कर गए? नहीं। तो सरकार कैसे दोषी है वहां पर? हर कोई देश को गाली देने के लिए तैयार है पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथ गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को चुप जोर देते हैं, श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हैं। संदेश में कहा है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हैं तो अपने 10 साथियों को इस ईमेल भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। तो दोस्तों डॉक्टर अब्दुल कलाम ने हमें जब जोर दिया कि हम देश के प्रति क्या सही में प्रामाणिक है, हमारे देश को खराब कहते सरकार को हमने बनाया है, वही सरकार को हम दोष देते हैं। हम गंदगी फैलाते हैं और कहते हैं नगर पालिका आकर कचरा उठाए। ऐसी कोई जादू छड़ी नहीं है दोस्तों कि अलाउद्दीन का कोई जादू चिराग नहीं मिलता कि अलाउद्दीन का जादू चिराग वही सब सफाई कर देगा। उसके लिए हमें सजग रहना है। एक कहावत है दोस्तों, सुनी है, अगर देश में प्रामाणिकता करनी है, देश में अच्छाई लानी है तो शुरुआत खुद से और खुद के घर से करिए, तो ही देश में सफाई, स्वच्छता, प्रामाणिकता सब कुछ हो सकता है। वरना हम जैसे जीते हैं वैसे ही जिएंगे, हमारी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों आपकी पुस्तक में शब्दार्थ दिए गए हैं, शब्दार्थ को आप पढ़ेंगे ना तो मैं यहाँ पर आपको पढ़कर दिखाती हूँ। वाकई, यथार्थ, हकीकत में, रस, ईर्षा, रवैया, परिपाटी, तकरीबन, प्राय, लगभग, पुर्जे, मशीन के अंश, मिसाल, उदाहरण, हिमाकत, मूर्खता, बेवकूफी, जगजोरना, झटका देना, झंझोरना। दोस्तों इस शब्दार्थ के अलावा कुछ नए शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं, यह आपको समझा रही हूँ। निकम्मी, बेकार, संपर्क, मेल, जोल, महसूस होना, अनुभव होना, टोक्यो, जापान की राजधानी, जाली, नकली, बनावटी, व्यवस्था, प्रबंध, प्रशंसनीय, तारीफ करने के लायक, समुदाय, समूह, बेरोजगारी, बेकारी, जेमन, तकलीफ, फर्क, अंतर, योगदान, सहयोग, निहारना, देखना, उम्मीद, आशा। आपकी पुस्तक में जो शब्दार्थ दिए गए हैं उसके अलावा जो शब्दार्थ मैंने यहाँ पर लिखे यह शब्दार्थ को भी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। साथ में मैं आपको यहाँ पर मुहावरे लिखे या समझा रही हूँ। रस को महसूस होना, ईर्ष्या करना, मुहावरे के अर्थ देकर उसको वाक्य में फिर प्रयोग करना चाहिए। मेरे बड़े भाई ने या हमारे पड़ोसी के पास नई कार आई तो सब लोग रस महसूस करने लगे। दोष मढ़ना, आरोप लगाना, पुलिस ने एक बच्चे को देखा तक नहीं लेकिन उसके ऊपर चोरी का दोष मढ़ दिया। गला फाड़ना, जोर जोर से बोलना, मम्मी सब्जी लेने गई तो बेटा, छोटा सा बेटा था, गला फाड़ कर रोने लगा। दोस्तों यहाँ पर भाषा सज्जता में कुछ कहावतें दी गई है, वह कहावतें आपको लिखनी है और उसे आपको समझाना भी है। तो कहावतें क्या है दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा है, खोदा पहाड़ निकला चूहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, छोटा मुंह बड़ी बात, सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। ऐसी कई कहावतें आपके दादा दादी, आपकी मम्मी, आपके पापा, कुछ भी आप कहावतें सुनते होंगे तो वही कहावत भी आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। एक कहावत मैं आपको बता दूँ, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक वस्तु को दो समान अधिकारी नहीं हो सकते। यदि दो महत्वाकांक्षी लीडर एक पार्टी में रहेंगे तो सदा टकराव की स्थिति रहेगी। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, इस कहावत के आधार पर मैं छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगी। एक छोटा सा बच्चा था, एक स्त्री आई, उसने कहा यह मेरा बेटा है, दूसरी स्त्री ने कहा यह मेरा बेटा है। दोनों आपस में बहुत झगड़ने लगे, लड़ने लगे। वही झगड़ा कहाँ पर पहुंचा,
राजा के दरबार में। दोनों औरतें और कुछ सिपाही आए, लड़ाई झगड़ा देकर बच्चे को उठाकर राजा के दरबार में ले गए। एक स्त्री ने कहा, यह बच्चा मेरा है। दूसरी स्त्री ने कहा, यह बच्चा मेरा है। बादशाह सोच में पड़ गए। बेटे के बारे में कुछ प्रश्न किए गए, दोनों स्त्री ने सही सही उत्तर दिया, लेकिन अब क्या होगा? एक बच्चा है, दो माँ है, किसको दे? राजा के दरबार में एक बहुत बुद्धिशाली इंसान बैठा था। उसने सोचा कि इसका उत्तर हम कल देंगे। उस औरतों को एक ही घर में रखा और एक ही कमरे में बच्चे के साथ में रख दिया। दूसरे दिन यह नौबत आई, चलो न्यायाधीश आए, बुद्धिमान इंसान आया, राजा आए, दो औरतें बच्चे को लेकर भी आए। वह इंसान ने कहा, सिपाही एक तलवार का, तलवार लेकर सिपाही आया, कहा दोनों औरतें के ये बच्चा है, चलो ये बच्चे का बीच में से बच्चे का दो टुकड़े कर दो और दोनों औरतों को एक एक टुकड़ा दे दो। एक औरत ने कहा, हाँ हाँ कर दो चलो, लेकिन दूसरी औरत ने कहा, नहीं नहीं मेरे बच्चे के दो टुकड़े मत करो, मेरे मुझे नहीं चाहिए, चलो उसी औरत को दे दो, मेरा बच्चा सलामत तो रहेगा, मेरी आंखों के सामने तो रहेगा। तो यह बात कि एक ही बच्चे की दो माँ कभी नहीं होती। सुना दोस्तों, एक मैन में तलवार नहीं रह सकती दो, ऐसे ही एक बच्चे की दो माँ नहीं होती। सही माँ थी, उसने कहा मेरा बच्चा सलामत रहेगा। बुद्धिशाली इंसान ने कहा कि जो इस औरत ने कहा है कि नहीं मेरे बच्चे के दो टुकड़े मत करो और उस औरत को दे दो, मेरा बच्चा सलामत रहेगा। इस बात पर वही बुद्धिशाली इंसान ने कहा कि नहीं, यह औरत ने जिसे बच्चे का टुकड़ा कर टुकड़े करने का मना किया है, उसी का बच्चा है, बच्चा उसे दे दो, उस औरत को जेल में डाल दो। तो दोस्तों यह कहावत इस कहानी पर सार्थक होती है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। खुदा पहाड़ निकली चुहिया, अधिक मेहनत करते हैं लेकिन उसका मुनाफा यानी लाभ कम होता है। तो उसी पर यह ठोस कहवत है कि खुदा पहाड़ निकला चूहा। बात बड़ी लगती है लेकिन उस पर मुनाफा कम मिलता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक गांव था, गांव में एक इंसान अपनी भैंस को लेकर जा रहा था। एक लुटेरा सामने से आया, उसके पास लाठी थी। उस लुटेरे ने कहा, यह भैंस मैं ले जाऊंगा। उस इंसान ने सोचा, अगर मैं इतराज करूंगा तो वह लाठी से मुझे मारेगा। तो उसने कहा कि मैं तुझे भैंस देता हूँ तो तू भी बदले में मुझे कुछ दे दे। वह लुटेरे ने कहा, क्या तेरी लाठी है ना, वो लाठी मुझे दे दे। तो वह इंसान ने लुटेरे ने कहा, हाँ तू ये लाठी ले ले, मैं भैंस लेकर चला जाता हूँ। जब किसान के हाथ में लाठी आई तो उसने उस इंसान को, लुटेरे को, वही लाठी से मारा और कहा कि यह लाठी मेरी है, यह भैंस भी मेरी है, तू चला जा वरना यही लाठी से तुझे पिटूंगा। मतलब कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस होती है। तो यह ऐसी कहावतें कई आपको अपनी कॉपी में लिखनी है और आपकी कॉपी में अभ्यास अध्याय लिखना है, आपको गृह कार्य भी लिखना है। दोस्तों गृह कार्य में यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि आप क्या गृह कार्य लिखोगे। यहाँ पर आप देखो कि आपको क्या गृह कार्य लिखना है। तो दोस्तों इस इकाई को मैंने आपको समझाया। इकाई के अभ्यास और स्वाध्याय, इकाई से पढ़कर आपको अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ लिखा है आपको दिखाई देता है दोस्तों, अपनी कॉपी में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की तस्वीर लगानी है और उसके बारे में उनका परिचय भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। डॉक्टर अब्दुल कलाम, उन्होंने कुछ किताबें लिखी है तो किताब के नाम भी यहाँ पर मैंने लिखे हैं। किताब का नाम है अगनपंख और विज़न 2020। वह किताब आपको पढ़नी है, उसके साथ साथ किताब के बारे में आपको माहिती लिखनी है। साथ में दोस्तों डॉक्टर अब्दुल कलाम का यह ईमेल आपको अन्य दोस्तों को भी और रिश्तेदारों को भी भेजना है। दोस्तों अभ्यास और स्वाध्याय में आपको कुछ मैं बता रही हूँ कि अभ्यास में क्या है। तो अभ्यास में मौखिक प्रश्नोत्तर है, प्रश्न एक में
लेकिन आपको मौखिक प्रश्न उत्तर नहीं देने, आपकी कॉपी में वह प्रश्न का उत्तर लिखना है। इस पत्रक के आधार पर आप लिख पाओगे कि पत्र किसने लिखा है, किसको लिखा है, पत्र में क्या वर्णन किया है। आप यह इकाई पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर प्रश्न दो में भी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न तीन में उचित क्रम में शब्दों को रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। आपकी किताब में लिखा है मैं सफाई खुदाई है, यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं वह क्रम में नहीं है, अनुचित क्रम में है, तो आपको उचित क्रम में लिखना है सफाई में खुदाई है। मेरा महान भारत, मेरा भारत महान। लेना और दहेज पाप देना है, दहेज लेना और देना पाप है। तो ऐसे आपको शब्द को उचित क्रम में लिखकर वाक्य को योग्य लिखना है। आपको यहाँ पर प्रश्न पाँच में दहेज एक दूषण, इस विषय में आपको एक निबंध लिखना है। मैंने बीच में पर आपको बताया कि इंसान खुद के पैर के नीचे आता है तो उसको जलन होती है और पैर ऊपर कर लेता है। दहेज लेना पाप है, गला फाड़ कर कर बोलता है, लेकिन अपने बेटे का मतलब प्रसंग आता है, बेटे की शादी आती है तो बोलता है कि मेरे बेटे के पीछे मैंने ये खर्च किया है तो दहेज तो मैं लूंगा ही। तो यहाँ पर दहेज दूषण उसके विषय में आपको एक निबंध लिखना है। आपको यहाँ पर प्रश्न छः में हम स्वयं कैसे अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अच्छा नागरिक कैसे बन सकते हैं एवं भारत को आदर्श राष्ट्र योग बनाने में हमारा योगदान क्या है, इस विषय पर यहाँ पर जो प्रारूप दिया है उसी प्रारूप से आपको खत लिखना है। ऐसे ही स्वाध्याय में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अगली इकाई में, इकाई तीन में मैंने आपको बताया था कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल भाषा सज्जता में याद आ गया क्या कि वर्तमान काल जो क्रिया हम करते हैं उसे कहते हैं, भूतकाल जो क्रिया बन चुकी है उसे भूतकाल कहते हैं, और बनने वाली घटनाओं को हम आभास के तौर पर कहते हैं उसे भविष्यकाल कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न स्वाध्याय के तीन प्रश्न में, प्रश्न तीन में मैं क्रिकेट खेलता हूँ कौन सा काल है आपको बताना है। मैं कल अंबाजी गया था तो उसका काल कौन सा है दोस्तों, और कोई गाना गा रहा है तो इसका भी कौन सा काल है, आपने इकाई तीन में सुना है तो पता चला होगा कि यह कौन सा काल है। तो पहले वाक्य में मैं क्रिकेट खेलता हूँ वर्तमान काल, मैं कलमबाजी गया था भूतकाल, कोई गाना गा रहा है वर्तमान काल, और भविष्य काल का भी एक वाक्य में बता दो, आज ठंड ज्यादा होगी, हुई नहीं है लेकिन होगी तो उसे भविष्य काल कहते हैं। जीवन में सफाई का महत्व आपको बताना है, सफाई नहीं रखते तो गंदगी फैलती है, गंदगी वजह से रोग भी फैलते हैं, सूक्ष्म जीवाणु फैलने से हमारे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा रोग फैलते हैं। तो हमारे बड़ा प्रधान कौन है इसको पता है, हमारा बड़ा प्रधान कौन है आप बताओगे, नहीं पता, अरे बड़ा प्रधान हमारे गुजरात ही है, आपको पता नहीं है, गुजरात से नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने सफाई अभियान चलाया, उन्होंने गांधी जी के अनुयायी बनकर, जैसे गांधी जी कहते थे कि स्वच्छता रखना हमारे देश में हर नागरिक का कर्तव्य है, वैसे ही नरेंद्र भाई मोदी भी हमारे बड़ा प्रधान कहते हैं कि पूरे देश में स्वच्छता रखनी चाहिए। तो दोस्तों आपको भी पता है ना, आपकी मम्मी कहती है जहाँ तक गंदगी फैलाओगे तो मम्मी झाड़ू लेकर पीछे पड़ेगी, चल गंदगी फैलाइए तू ही झाड़ू से उठा ले और सफाई कर। तो जीवन में सफाई का महत्व बताते हुए अपने मित्र को आपको पत्र लिखना है। दोस्तों काल परिवर्तन यानी भूतकाल है तो उसे भविष्य काल में बताना है, भविष्य काल है तो उसे वर्तमान काल में वाक्य को घुमाना है। मैं बाजार गया उसे भविष्य काल में बताना है तो क्या बात बताओगे, किसी को पता नहीं। इतना इकाई तीन में भी मैंने बताया, इस इकाई में भी बताया कि यहाँ पर मैं बाजार गया तो उसे भविष्य काल में बताना है, तो हमेशा बताएंगे कि कल मैं बाजार में जाऊँगा, मंदिर में पूजा होगी तो यह भविष्य काल है, उसे भूतकाल में बताना है तो हम लिखेंगे मंदिर में पूजा हुई थी, शिमला में हिम वर्षा हुई तो उसे भविष्य काल में बताना है तो हम क्या बताएंगे,
मैंने इतने सारे वाक्य बताए, तो आप एक वाक्य तो बता दो कि कैसे उसे भविष्य काल में घुमाना है, कैसे लिखोगे? चलो मैं ही बता देती हूँ। शिमला में हिम वर्षा हुई, उसे भविष्य काल में बताना है, तो शिमला में हिम वर्षा होगी। तो ऐसे आपको काल परिवर्तित भी करना है। मैंने भाषा सज्जता की कहावतें भी आपको समझाई, अभ्यास स्वाध्याय बताया, और आपको यहाँ पर इस बोर्ड पर जो लिखे शब्दार्थ है, शब्दार्थ, मुहावरे और भाषा सज्जता आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं अच्छे ढंग से और सही अक्षर से, अच्छे अक्षरों से अपनी कॉपी में। यह सब आपको अभ्यास स्वाध्याय के साथ में लिखना है। दोस्तों प्रवृत्ति भी आपको लिखनी है। मैंने आपको जो गुरु कार्य के तौर पर लिखा है वही अच्छी तरह से आप लिखोगे। ऐसी अभ्यर्थना के साथ आभार अस्त।